जैसा कि आप लोग जानते हो M6 Royal Pass अपना इसी हफ्ते आने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इनके ई-स्पोर्ट्स सेक्शन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के फ्री वाले जो है तो टूर्नामेंट्स खेल के अच्छे खासे पैसे जो है तो कमा सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे गेम्स है ई-स्पोर्ट्स के सेक्शन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पोकेमोन यूनाइट, फ्री फायर वालों के लिए फ्री फायर, और फ्री फायर के बहुत सारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, BGMI के बहुत सारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे धांसू रहता है ये गेम स्ट्रम्बल गाइस, जिसमें आप लोग डेली फ्री वाले और पेड वाले टूर्नामेंट्स खेल के अच्छे खासे पैसे जो है तो जीत सकते हो, कमा सकते हो। देन उसके बाद इसमें 70 से भी ज़्यादा इजी टू प्ले गेम्स हैं जिनको आप लोग खेल सकते हो और प्राइज मनी जीत सकते हो। और इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि विड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा इजी, आप पेटीएम UPI बैंक ट्रांसफर में बहुत ही इजी तरीके से जो है तो विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जीते पैसों से आप रॉयल पास लो, DJ आलोक लो या फिर भाई गन्ने का जूस पियो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। और इनके प्रमोशन के सेक्शन पे डेली रॉयल पास के गिव अवेज होते रहते हैं, तो मेक श्योर आप इनका प्रमोशन वाला सेक्शन जाके चेकआउट करो और इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी सब लोग डाउनलोड कर लो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है। स्क्वाड इज हियर और आज भाई साहब हम लोग फिर से खेल रहे थे अपने ग्लेशियर एक्स सूट के साथ और अपोनेंट्स में आए हुए थे भाई ब्लड रेवन और पोसाइडन वाले बंदे और दोनों के साथ हमारी फाइट होती है। तो गेम प्ले को आप लोग एंड तक देखना और 500K के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको 6K सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो जल्दी जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर दो और जो लोग भी नए हो जल्दी जल्दी से लाइक करके और बेल नोटिफिकेशन जरूर से याद से दबा लेना सब लोग, क्योंकि भाई साहब नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं आएगा और आज का गेम प्ले जो तोड़ू और फाड़ू होने वाला है, बस आप लोग वेट करो एंड का। तो आज हम लोग दूसरे वाले आइलैंड पे उतरे हुए थे और यहाँ काफी ज्यादा बंदे आते हैं। तो ये दूसरे वाले आइलैंड पे आई थिंक सो आप लोग का ये पहला या दूसरा गेम प्ले होगा अभी चैनल पे देखते हुए, और यहाँ पे भाई ये बंदा अकेला बचा हुआ था आई थिंक सो इस टीम का और मैं इसे मारने जा ही रहा था, इसने मुझे वहां पे नॉक फिनिश कर दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद बहुत दूर तक, लिटरली बहुत दूर तक चलने के बाद हमें गाड़ी मिलती है और उसके बाद यहाँ पे मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पे उसने बंदे देखे थे, तो हम लोग यहाँ पे जा ही रहे थे कि तभी मुझे राइट साइड पे सीड वगैरह लगी दिखाई दी और बंदे भागते हुए दिखाई दिए, तो हम लोग यहीं हिल पे आके रोकते हैं गाड़ी और बस अब यहाँ पे आप लोग जो फाइट सीन होने वाला है वो देखो और उसके बाद आप लोग एक लाइक तो कर ही दोगे। तो यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक कर दिया था और बाकी के दो बंदों को अच्छा खासा डैमेज कर दिया था। अब मेरे पास यहाँ पे स्कोप सिर्फ और सिर्फ नाम का था, 2x 2x, तो लिटरली कोई नहीं चलाता इससे अच्छा रेड डॉट चलता है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे इन बंदों पे कर देते हैं रस। तो
लेफ्ट से बग्गी आई, पीछे बग्गी रुकी है। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि तुम लोग गाड़ी लेके घुमाओ यहाँ पे, और मैं इन पे ग्रेनेड्स वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड भी स्मोक हुआ था, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि 2 से 3 स्क्वाड ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे इन बंदों को कुछ भी करके नॉक करना था, 1-2 बंदों को, और ब्लाइंड करना था। मैंने पीछे अपना स्मोक कर दिया, सामने भी स्मोक कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये वही आई थिंक सो पोसाइडन वाला बंदा है। अब उस बंदे ने वहां सामने की तरफ जो 3 बंदे थे उनमें 2 बंदों को नॉक किया था, और लास्ट वाले बंदे को यहां पे मैंने कर दिया फिनिश। अब मैं उसके बाद अपने टीममेट्स को बोलता हूं कि गाड़ी ले जाके तुम लोग थोड़ा सा रोटेशन दो, और यहां पे मैं थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेता हूं। और उसके बाद इन बंदों के पास क्या ही लूट थी, मतलब लेवल 3 लूट आप लोगों ने सुनी होगी पहली बार, देख भी लो आप लोग, यहाँ पे 6x लेवल 3 की लूट, सब कुछ मिल गया, टोटल लूट कंप्लीट हो गई। अब जो सामने यहाँ पे DP चला रहा था बंदा, ये पोसाइडन वाला बंदा ही था आई थिंक सो। आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिप तो देखी होगी, तो कमेंट करके नाम बताना कि जिस DP वाले बंदे ने अभी इस स्क्वाड के 2 बंदों को मारा था, क्या ये वही बंदा था जो शुरू में पोसाइडन एक्सूट लेके रखा हुआ था या फिर नहीं। और साथ ही साथ अभी भी ब्लड रेवन एक्सूट वाला बंदा भी अलाइव था, और उसके साथ जो फाइट होगी एंड सर्कल पे वो देखने लायक होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया गाइस, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें भाई हैप्पी न्यू ईयर तक में 500K सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट करने, और मैंने सब्सक्राइबर्स भी रिवील कर दिए। आप लोग बहुत दिन से भाई बोल रहे थे कि सब्सक्राइबर्स दिखा दो साइबर भाई, सब्सक्राइबर्स दिखा दो, तो मैंने सब्सक्राइबर्स जो है तो रिवील कर दिए, आप लोग को दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि एक गाड़ी लेके तू लेफ्ट से जा, और हम लोग जा रहे हैं राइट से, मतलब एक एक जगह से जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे इन बंदों को धर दबोचेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए, तो यहाँ पे मेरा टीममेट बताता कि पूरी की पूरी स्क्वाड है यहाँ पे। अब इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज किया, और ये वहीं पे प्रोन हो गया, और इसका जो दूसरा वाला बंदा था इसे मैंने नॉक कर ही दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था, तो ये मुझे लगा कि पोसाइडन वाला ही बंदा है जो स्टार्टिंग में था हमारे साथ, तो उसको मैंने नॉक कर दिया। अब इसका जो दूसरा टीममेट था वो यहाँ पे था, तो हमेशा गाड़ी घुमाने वाली ट्रिक काम आती है जब आपके सामने अपोनेंट में 2 से 3 बंदे हो, और आपकी टीम में भी 2 से 3 बंदे हो, जिससे कि आप लोग को कवर वगैरह मिल सके। अब जाए इससे भाई, यहाँ पे हम लोग लूट वगैरह कर रहे थे, एक अलग ही टीम जो कि हमारा वेट कर रही थी यहाँ पे, और जैसे हमने लूट चालू की इस टीम ने मुझे नॉक कर दिया। मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को स्मोक वगैरह दे दिए, और बोला कि स्मोक कर दो गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी सेफ करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ओपन में फंस जाते हैं तो भाई फिर बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब मैंने स्मोक वगैरह किया, हील वगैरह किया अपने आप को, थोड़ा सा वेट किया। देन उसके बाद अब टाइम था एक लंबे रोटेशन का। इन बंदों को ऐसे भी जाने तो देंगे नहीं, हम लोग बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपने आप को हील कर लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक पेन किलर वगैरह लगा के। तब तक आप लोगों में से अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया, मुझे पता है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और भाई ग्लेशियर एक्सूट से खेलने पे भाई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, वो भी ग्लेशियर M416 लेके, तो और भी ज़्यादा मजा आ रहा है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि क्या मैं एक डबल ग्लेशियर M4 लेके गेम प्ले बनाऊँ, मतलब फुल ग्लेशियर, ग्लेशियर एक्सूट, ग्लेशियर M4, ग्लेशियर AKM तो है नहीं मेरे इस वाली आईडी में, लेकिन यहाँ पे डबल ग्लेशियर M4 और ग्लेशियर एक्सूट के साथ अगर आपको गेम प्ले चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग रोटेशन देते हुए आते हैं रिच के कवर टू कवर, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू राइट साइड से वो बगल वाली रिच पे जा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बंदे को नॉक करूंगा, हमारा प्लान था कि सीधे हम इस टीम पे कर देंगे रस। अब ऊपर मुझे दरवाजे के पास एक बंदा स्पॉट हुआ था, और मैं वेट ही कर रहा था कि वो बंदा बाहर की तरफ आए और मैं उसे भर दूंगा। अब यहाँ पे सोने पे सुहागा हो गया, एक बंदे की जगह मैंने यहाँ पे 2 बंदे नॉक कर दिए थे। अब टाइम था सीधे रस करने का, तो मेरा एक टीममेट सीधे रस कर गया था। और एक बंदा छत के ऊपर से जस्ट कूदा था, मैंने उसे नॉक किया, तो इस टीम के अब टोटल 3 बंदे नॉक हो चुके थे और एक फिनिश हो गया था।
भाई ड्रॉप शॉट और क्लच कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला 1v4 कैसा लगा कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये 1v4 करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज की, जैसे कार वगैरह घुमाना, कहाँ पे हम लोग को जाके कहाँ से रोटेशन देना है, कहाँ से बंदों को नॉक करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्लान की और फाइनली क्लच कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो हिल पे मुझे एक डासिया दिखाई थी और राइट साइड से कोई बंदा M24 भी चला रहा था सप्रेस्ड, तो मुझे यहाँ पे राइट साइड से भी बच के रहना था और लेफ्ट साइड जो हिल पे बंदे आ गए थे उनसे भी बच के रहना था। उसके बाद हम लोग भाग के यहाँ पे हिल साइड आते हैं और भी बंदे स्पॉट करने के लिए, सामने की तरफ बंदे स्पॉट हुए तभी भाई साहब जो पीछे के साइड बंदे थे उन्होंने स्पाइडर मोन की पूरी एचपी खा ली और बोल रहा है भाई साले बंदे कैम कर रहे हैं। तो आज आरआईपी एक्सट्रीम करने के लिए एक्सट्रीम हमारे साथ खेल ही नहीं रहा, तो आप लोग को आरआईपी करने का मौका मिलेगा, चिंता मत करो आज दूसरे बंदे का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को बोला कि तू गाड़ी ले जाके घुमा उधर से, उनको लगेगा कि हम यहाँ से निकल गए हैं और वो लोग जैसे ही निकलेंगे तो मैं वहाँ पे नॉक करने का ट्राई करूंगा, लेकिन वो बंदे बाइक पे थे और भाई सनाना करके निकल गए यहाँ पे। अब उसके बाद ये देखो ये वाली रिच आप लोग को बहुत मदद करेगी, चिकन डिनर लेने पे, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा मेरे M4 में 50 बुलेट वाला मैग था, मैंने सामने के वाले बंदे पे 50 बुलेट मारी, 50 में मान लो 10 इधर उधर हो गई होंगी, 40 बुलेट उस बंदे को कनेक्ट हुई, मेरा पिंग भी यहाँ पे 20-30-40 ms आ रहा था लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। तो ये है भाई रेल वायर का इंटरनेट और ऐसे ही अभी तक मैं खेल रहा था, लेकिन आप लोग को मैं पहली बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा और 2-3 बार जहाँ पे मैं बंदे को मारता हूँ, लेकिन भाई साहब बंदे के ऊपर मेरी 50 बुलेट्स पूरी लग जाती है और कहीं और से ही मैं नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखो भाई AWM चला और AWM चला रहा था वही ब्लड रेवन वाला बंदा, जोन हमें धोखा दे चुका था। जोन के मायने आप लोग को आज के इस वाले गेम प्ले में पता चलेंगे कि आखिरकार जोन के मायने क्या होते हैं। सामने की तरफ मैंने अच्छा खासा डैमेज किया उस बंदे को, अब यहाँ पे हमें धीरे धीरे करके जोन के अंदर आना था, तो यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ गया। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि एक गाड़ी आगे लगा दो, एक गाड़ी यहाँ पे लगा दो, दोनों जगह पे। अब हमारे राइट साइड पे भी एक स्क्वाड थी और सामने की तरफ भी एक स्क्वाड थी, आई थिंक सो ब्लड रेवन वाली स्क्वाड सामने की तरफ थी। यहाँ मैं अपने टीममेट से बुलेट्स वगैरह लेता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी जोन के बाहर से कोई आ सकता है, तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि जोन के बाहर से अगर कोई आता है तो भाई उस पे भी नजर रखी जाए। तो मैंने कजीरो को बोला यहाँ पे कि पीछे साइड भाई तू देखते रहना, क्योंकि अभी पीछे से भी कोई आ सकता है। अब सामने की तरफ इस यहाँ पे स्पाइडर मोन ने गाड़ी तो फोड़ दी लेकिन कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ, और लो भाई स्पाइडर मोन को नॉक कर दिया गया है। और यहाँ पे अब राइट साइड से भी हमें पड़ रही है, फ्रंट से भी पड़ रही है गोलियां, और यहाँ से बच के निकलना हमें लग रहा था कि भाई नामुमकिन ही होने वाला है, कि इसमें अभी जोन का आप लोग हाथ देखो बस, आज जो जोन का आप लोग को हाथ देखने के लिए मिलेगा चिकन डिनर पे, लिटरली आप लोग बोलोगे हाँ भाई यार जोन बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप भी अच्छी टीम पे के प्लेयर हो और आपके सामने वाले अपोनेंट्स भी। यहाँ पे मैंने बोला कजीरो को कि जाके स्पाइडर मैन को उठा के यहाँ पे ले आ, क्योंकि वहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह आ सकते हैं, और वहाँ पे ग्रेनेड्स आए, सामने की तरफ शील्ड बनी, मैंने ट्राई किया सील्ड के जो राइट साइड फ्रंट है उसका, वहां पे मैंने प्री फायर दिया कि अगर बंदा होगा वहां पे तो हेड पे अगर कनेक्ट हो गया तो बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अब यहाँ पे जोन चालू होने वाला था, 50 सेकंड्स बाकी थे जोन में जाने के लिए, जोन देखो भाई कैसे कैसे धोखा दिया है जोन ने, अब मैंने ये फटी हुई BRDM के ऊपर चढ़ के सोचा कि ट्राई करूँ नॉक करके सीधे रस कर देंगे, लेकिन उन बंदों ने मेरे को डैमेज दे दिया। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, स्मोक करता हूँ गाड़ी पे, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉल दी अपने टीममेट्स को कि भाई आ जाओ गाड़ी पे बैठ जाओ, सिर्फ 20 सेकंड बाकी है, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन भाई ये देखो बॉट भैया को देखो, स्पाइडर मोन को आने का नाम ही नहीं ले रहे, और फाइनली जब हम पे फायर हुआ तो मुझे यहाँ पे गाड़ी लेके निकलना पड़ा,
और तब तक गाड़ी की पूरी एचपी खत्म हो चुकी थी। 20 एचपी में लेके मैं गाड़ी निकला क्योंकि स्पाइडर मैन 20 सेकंड पहले भाई मैंने कॉल दी और नहीं आया यहाँ पे। अब देखो यही चीज है ना, जो छोटी सी चीज अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती और यहाँ पे चिकन डिनर गया। मान लो जोन का भी इसमें हाथ है, ये जोन हम पे नहीं बना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये चीज हमारे साथ बस हुई है, तो आप देखो ये चार बंदों को जोन ने धोखा दिया। चार बंदे पूरे अच्छी खासी केडी की डोमिनेटर के बंदे। अब देखो एक बंदे ने 50 मैग वाले एकेएम से चार के चारों बंदों को यहाँ पे नॉक कर दिया भाई। और यहाँ पे ऑल पे गाली वाली पड़ रही है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा गेम जोन का रहता है जब आप अच्छे प्लेयर्स के सामने खेलते हो। और थोड़ा सा भाई टाइमिंग का भी रहता है कि आप डिसीजन कितना जल्दी ले पाते हो। अब वहाँ पे स्पाइडर अगर गलती नहीं करता, आके गाड़ी पे बैठ जाता, तो हम जोन बहुत पहले ही निकल जाते क्योंकि यहाँ पे नॉक वॉक किया गया था किसी को। अब देखो आप लोग को लग रहा होगा कि इस अकेले बंदे ने उन चार बंदों को मार दिया, ऐसे उन चार बंदों ने हम लोगों को मार दिया था। ठीक है, अब देखो इसको देखो, ये बंदा भी जोन के बाहर था और जोन आगे की तरफ जा रहा था। तो भाई साहब आज का गेम प्ले देख के आप लोगों को क्या सीख मिली कि भाई जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे हो तो जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जोन जिसके पास, जीत उसके पास। तो यहाँ पे भाई पहले हम गए जोन से, फिर उसके बाद वो चार बंदे गए जोन से, फिर उसके बाद लास्ट वाला बंदा जिसने 1v4 किया था वो भी गया जोन से। तो आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कमाल के गेम प्ले देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए कमाल के वीडियो में, एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायनारा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपके फेवरेट एक्सूट कौन सा है एज ऑलवेज कमेंट्स में बताना जरूर।